हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोगों को लेबल्स को नोट डाउन करना है, लॉजिक को समझना है, उसके बाद खुद से जाके चार्ट पे आप एनालिसिस करेंगे, तभी आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर लेबल्स को नहीं नोट डाउन करेंगे, खुद से उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तभी आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे जो आपको यहाँ पर ट्रेड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और उसी कन्फ्यूजन के चक्कर में जो है आप या तो लेट एंट्री ले लेंगे या फिर आप पहले एंट्री ले सकते हैं। तो इसी वजह से जो है बेटर है लेवल्स को नोट डाउन कीजिए, स्टॉक को देखिए और उसके बाद खुद से जाके प्रैक्टिस कीजिए, खुद से उस लेवल्स को देखिए जो वहां पे हम लोग क्यों ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, जिससे कि आपका ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक के शेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के सेशन में इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली स्टॉक जो है आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां पे कि स्टॉक जो है आपको सपोर्ट ले रहा है 1690 के लेवल पे, अपसाइड में रेसिस्टेंस ले रहा है आपको 1800 के लेवल पे। इस रेंज में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, तकरीबन जो है आपको 1.5 मंथ से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और वापस से यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो स्टॉक जो है वापस से आपको डाउनसाइड में लोअर चैनल को हिट कर सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक को हम लोग कब शॉर्ट करेंगे। तो इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे आज के लो के नीचे, और आज का लो है 1714 का, तो 1714 के लेवल के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। 1724 का हम लोगों का एसएल रहेगा, 10 पॉइंट का एसएल रहेगा, 1704 का पहला टारगेट रहेगा, 1694 का दूसरा टारगेट रहेगा। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे तो सेकंड स्टॉक है वेदांता मेटल्स सेक्टर का स्टॉक है, और यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली वेदांता आपको न्यूज में भी है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर जो है आपको हिंदुस्तान जिंक को अपना बिजनेस बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको स्टील को होने नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से इस स्टॉक में भी हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिला, वापस से स्टॉक पुल बैक लिया, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगेन हम लोगों को आज के सेशन में इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ऊपर के लेवल से 290 के लेवल से इस स्टॉक में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो इस स्टॉक को हम लोग लोअर साइड में शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। आज का जो लो है 284.45 का, उस लेवल के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो 284.4 के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 286.5, तो 2.10 रुपीज़ का हम लोगों का एसएल रहेगा। पहला टारगेट जो है 282 का रहेगा और दूसरा टारगेट जो है वो आपको 280 का रहेगा। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे तो थर्ड स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में भी हम लोगों को एक अच्छा आज बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को ऊपर के लेवल से गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रहा है। एक अच्छा पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद आज यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक को हम लोग कब शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 2440 के लेवल के नीचे। ऊपर की साइड में हम लोगों का एसएल देगा 2452 का, यहाँ पे 12 पॉइंट का एसएल देगा। पहला टारगेट 2428 का रहेगा, दूसरा टारगेट 2416 का रहेगा। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे तो फोर्थ स्टॉक है बालकृष्ण टायर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के शेयर में हम लोगों को क्लियरली जो है यहाँ पे आपको आज एक अच्छा ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक काफ़ी टाइम से जो है 2000 to 2100 इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली आज एक जाइंट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और स्टॉक जो है काफ़ी टाइम के बाद, लास्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 14th ऑफ फेब को 2000 के नीचे
क्लोजिंग जरूर दिया था बट उसके बाद इमीडिएटली बाद नेक्स्ट डे ही बाउंस बैक कर गया और उसके बाद कंटिन्यूसली इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। वापस से ये रेंज आपको ब्रेक डाउन हुआ है और आज का क्लोजिंग अगर बात करेंगे तो स्टॉक नवंबर मंथ के बाद फर्स्ट टाइम इस लेवल के नीचे क्लोज दिया है, तो एक अच्छे लेवल पे स्टॉक ने क्लोज दिया है। इस स्टॉक में फर्दर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे आज के लो के नीचे जो कि है 1976 का, तो 1976 के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। 1990 का हम लोगों का एसएल देगा, 14 पॉइंट का एसएल देगा। 1962 का पहला टारगेट रहेगा, 1948 का दूसरा टारगेट रहेगा। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में भी हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक में भी आज एक जाइंट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का भी फॉर्मेशन जरूर देखने को मिला है, तो इस स्टॉक को भी हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है आज के बिल्कुल डे के लोएस्ट लेवल पे ही क्लोज हुआ है, तो क्लियरली एक अच्छा बियरिशनेस इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं, स्टॉक अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, कहीं भी आपको 1255-1260 इस रेंज में आपको ओपन होता है तो हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि आज एक ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो उसके बाद अगर कहीं पर भी आपको शॉर्ट का एंट्री मिलता है 1255-1260 के लेवल के नीचे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 10 रुपीज़ का एसएल रहेगा और टारगेट आपका पहला 10 रुपीज़ का रहेगा, दूसरा 20 रुपीज़ का रहेगा। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, सभी लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।